जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बड़ी ही मजेदार बात सीखने वाले हैं। कभी भी हम लोग मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें इस तरीके का गुणा हमेशा देखने को हम लोग को मिल जाता है। चाहे कोई भी सवाल हो, हम लोग को दो अंकों की संख्या का यदि गुणा, कोई भी दो अंक की संख्या का अगर गुणा करने के लिए आ जाए तो हम कम से कम समय में इन दो अंकों की संख्या का गुणा कर सकते हैं। आइए इसी बात को हम लोग सीखते हैं कि कैसे कम से कम समय में किसी भी दो अंकों की संख्या का गुणा किया जा सकता है। जैसे हमने आपके सामने एक संख्या रखा दो अंकों का, 24 में 27 का गुणा करना है। 24 में 27 का यदि गुणा करना है तो किस तरीके से करेंगे? एक तो बचपन वाला तरीका था कि 7 में 4 से गुणा किए, फिर 7 में 2 से गुणा किए, वो नहीं करना है। कम से कम समय में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, तरीका समझिएगा। सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ करिए, इन दोनों का गुणा आपस में करिए, तो 7 चौक 28, 28 का लिखिएगा 8, हारसिंग बच गया 2। बात को समझना है, 7 चौक 28, 28 का 8, हारसिंग 2। इसका अगला स्टेप क्या है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका गुणा इसके साथ, 7 दुना का 14, तो यहां पर लिखिए 14। फिर इसका गुणा इसके साथ, 2 चौके 8, तो यहां पर लिख दीजिए 8। उसके बाद ये सबको आपस में जोड़ दीजिए, ये 14 और 8 कितना होगा तो 22, 22 और 2 कितना आ जाएगा तो कहेंगे सर 24, तो 24 का लिखना है 4 और हारसिंग अभी भी कितना बचा तो कहेंगे 2। इसके बाद इस दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तीसरा स्टेप समझा रहा है, इस दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 और ये हारसिंग कितना बच गया 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये आपको 648 आंसर आ गया। 24 में 27 का गुणा करेंगे 648। एक बार दोबारा इस बात को समझना, दोबारा समझेंगे इस बात को। अगर हमको 24 में 27 का या कोई भी दो अंकों की संख्या गुणा करने के लिए दे दे, जैसे उसी क्वेश्चन को हम लिए कि 24 में 27 का अगर गुणा करना है तो कैसे करेंगे, तो हम बोले कि इस दोनों का पहले आपस में गुणा करिए, 7 चौक 28, 28 का 8 और हारसिंग बचा 2, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दुना का 14, इसके बाद लिख दीजिए इसको, 2 चौके कितना हो गया 8, ये सबको आपस में जोड़ दीजिए, 14 और 8 22, 22 और 2 कितना हो गया तो कहेंगे 24, तो 24 का लिखना है 4 यहाँ पर और हारसिंग अभी भी कितना बच गया है तो 2। अब इस दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 और 2 ये हारसिंग कितना बच गया 6, इस 2 दूनी का 4 ये हारसिंग को जोड़ दिए कितना आ गया 6, आंसर आ गया आपका 648। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके का हम लोग करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि अगर 42 में 37 का गुणा करना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अगर 42 में 37 का गुणा करना है, कोई भी दो अंक का संख्या हो जाए, 42 और 37 ही नहीं, कोई भी दो अंक का संख्या हो जाए, आप खुद से भी बहुत सारा संख्या ले सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा और फिर उसको कैलकुलेटर से करके देखिएगा, आपका आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां देखिए, ये 7 दुना का कितना होगा 14, तो 14 का 4 लिखिएगा, हासिल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 चौक कितना हो गया 28, इसका 3 दूनी का कितना हो गया 6, सबको आपस में जोड़ दीजिए, 28 और 6 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 34, 34 और 1 कितना हो गया तो कहिएगा 35, तब 35 का लिखिएगा 5 और हारसिंग कितना बच गया तो 3। अब इस दोनों का आपस में गुणा करिए, 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। अगर 42 में 37 का गुणा करेंगे कितना आएगा 1554, 1554 विद इन सेकेंड आप कर दे रहे हैं। ये तो हम समझा रहे हैं ना, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको सेकेंडों में सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसमें आप बहुत सारा दो अंक का संख्या खुद से लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इस पर 52 में 25 का अगर गुणा करना है, 52 में अगर 25 का गुणा करना है तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस मेथड से। 52 में हम गुणा करने जा रहे हैं 25 का, तो 52 में जब 25 का गुणा किए तो देखिए 5 दुना का 10, तो 10 का 0, हासिल 1। अब इसको देखिए, 50 कितना हो गया 25, तो यहां लिखिएगा 25, ये 2 दुनी का कितना हो गया 4, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, 25 और 4 29, 29 और 1 कितना हो गया तो 30, तो 30 का लिखिएगा 0, 30 का 0 लिखिएगा, हारसिंग अभी 3 बच गया। अब इस दोनों का आपस में गुणा करिए, 5 दुना का 10 और 10 और 3 कितना हो गया 13, ये आपको क्या हो जाएगा 1300 आंसर हो जाएगा, इसका 1300 इसका आंसर हो जाएगा सर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 42 में 14 से गुणा करना, अगर 42 में 14 से गुणा करेंगे तब आंसर क्या आएगा, तब 42 में हम गुणा करने जा रहे हैं सर 14 से, गुणा किए तो यहां पर देखिए 2 चौके 8,
वही स्टेप सब में चलेगा, दो चौके आठ। अब इसमें कुछ हासिल नहीं बचा, अगर हासिल नहीं बचा तो नहीं लेंगे हासिल, दो चौके आठ। अब फिर आपको अगला स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चार चौके कितना आ गया 16, तो यहाँ 16 लिखिएगा। एक दुनिया का कितना आ गया 2, तो यहाँ 2 लिखिएगा। अब सबको आपस में जोड़ देना, अब यहाँ पर हासिल नहीं बचा था तो नहीं जुटेगा। ये 16 और 2 कितना हो गया 18, तो 18 का कितना लिखना है 8। अभी भी हासिल कितना बचा, एक बचा हुआ है। अब यहाँ पर 4 एकम 4, टेंस प्लेस वाला तीसरा स्टेप क्या, इसका गुणा करिए 4 एकम 4, और ये हासिल को जोड़ देना है 4 एकम 4, और ये कितना आ गया 588 इसका आंसर हो जाएगा। अगर 42 में 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 588। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कोई भी दो अंक का संख्या आप लीजिएगा और उसको आपस में अगर गुणा कराइएगा, दो अंकों की संख्या का अगर आपस में गुणा कराइएगा तो इसी तरीके से कराइएगा सर, आपका बहुत ही कम समय में आपका जो है गुणा हो जाएगा। उसी तरीके से हम आपको कुछ एक क्वेश्चन देते हैं, इसका कॉमेंट में आप लोग इसका आंसर करके बताइएगा। जैसे अगर 21 में गुणा कराना हो 62 का, तो 21 में 62 का गुणा होगा तो कितना आंसर आएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसी मेथड से, जो मेथड हम बताए हैं उस मेथड से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और जरूरी नहीं है कि यही संख्या है, ये तो हम एग्जांपल लेके आपको समझा रहे थे। आप कोई भी दो अंक का संख्या ले लीजिएगा और उसको आपस में गुणा करा करा कर क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप विद इन सेकेंड आंसर करिएगा सर, विद इन सेकेंड। और ये आपको हेल्पफुल कहां होगा, ये आपको हेल्पफुल होगा जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो बहुत सारा ऐसा केस मिलेगा क्वेश्चन में कि आपको इस तरीके का संख्या से गुणा कराना पड़ेगा, तो वहां पर आपका समय का बचत होगा अगर आप ये वाला तरीका लगाइएगा तब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का कोई नया टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय।